स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 था 9th क्लास का, और इसमें आज जो हमने करना है ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोल होता क्या है। मोल को हम डिफाइन करते हैं, आप इसको ये कर दो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10³ पार्टिकल्स। क्या बोला है कि ये वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट कंटेन 6.02 × 10³ पार्टिकल्स, जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, हम उसको क्या नाम दे देंगे, वो क्या होगा, मोल होगा। अब यहाँ पे हमने बात की है कि पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं। पार्टिकल से मुराद आप एटम ले सकते हो, पार्टिकल से मुराद आप मॉलिक्यूल ले सकते हो, पार्टिकल से मुराद आप फॉर्मूला यूनिट ले सकते हो। बात समझ आ गई ना कि यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे वो क्या होगा, मोल होगा। और पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स में भी एटम, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला यूनिट आ जाएगा। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट मोल को डिफाइन करेंगे ये आ जाएगा व्हेन एटम मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। आप देखें जरा, आप क्या करते हो, मसलन के अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मास को आप लिख लेते हो, ये होता है 1.008, इसके साथ आ जाएगा AMU, ठीक होगी बात। तो इसको आप नाम दे दोगे एटॉमिक मास का। क्या इसको नाम दे दोगे, एटॉमिक मास का। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब आपने क्या काम करना है कि इसके यूनिट को आप चेंज कर दोगे ग्राम के साथ। किसका चेंज कर दोगे, ग्राम के साथ। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में किया भी था कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। क्या किया था कि जस्ट आपने मास को एक्सप्रेस किया था इनटू ग्राम। क्या किया था, मास को आपने एक्सप्रेस किया था ग्राम्स के अंदर। तो अब ये क्या बन जाएगा कि आपने यूनिट को चेंज कर दिया है एएमयू की बजाय आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, वहां पे आपने ग्राम लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा एटॉमिक मास, किस में आ जाएगा, ग्राम में। इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल है, से ये हमारे पास H2O है, इसका मास होता है जी 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो आप क्या करते हो कि AMU आप यहाँ पे काटोगे, आप इसका यूनिट चेंज कर दो, ये आ जाएगा वाटर का मास, आ जाएगा 18 ग्राम। तो ये बन जाएगा वाटर का मास इन ग्राम, जिसको आप कर दोगे ये आ जाएगा मॉलिक्यूल के मास को आप लेके आ गए ग्राम में। और जब मॉलिक्यूल के मास को आप ग्राम में लेके आ जाओगे ये बन जाएगा मोलर मास। ये क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। बात समझ आ गई ना, जब आप एटम के मास को ग्राम में करोगे ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, जब आप मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मोलर मास। क्या बन जाएगा, मोलर मास। या आपके पास कोई है आयनिक कंपाउंड, से आपके पास आयनिक कंपाउंड है NaCl, इसका मास जो होता है ये आ जाएगा 58.5, इसका यूनिट क्या होगा, AMU होगा। सही होगी बात। आप क्या करते हो कि 58.5 का AMU जो है उसको आप कन्वर्ट कर लोगे किस चीज में, ग्राम में। ये क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला मास। ये क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा। बात समझ आ गई ना। तो अब आपने क्या काम करना है कि जब आपके पास एटम होगा उसके मास को आप ग्राम में लेके आ जाओ, आपके पास मॉलिक्यूल है उसके मास को आप ग्राम में लेके आ जाओ, आपके पास आयनिक कंपाउंड है आप उसके मास को ग्राम में लेके आ जाओ। तो जब आपने मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मोल। क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। और मोल का जो सिंबल होता है, वो एब्रिविएशन होता है, वो क्या होगा, MOL। क्या होगा, MOL होगा। और ये जो तीनों डिजिट है, M है, O है, ये L है, ये क्या होंगे, तीनों के तीनों स्मॉल आएंगे, कैपिटल यहाँ पे आपने नहीं लगाना। अब इसके अगर आ जाएगा
कि हमने मोल की बातों की, यहाँ पे हमने किया कि मोल वो होती है अमाउंट जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि मोल वो सब्सटेंस होता है जिसका मैस आप कर दोगे ग्राम में, बात समझ आ गई ना, जिसको आप एक्सप्रेस कर दोगे ग्राम में वो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि से हमारे पास अगर एटम है, एटम की हमने बात करनी है कार्बन, कार्बन का मैस कितना होता है 12, कार्बन का जो मैस होता है 12, इसका जो यूनिट होता है वो आ जाएगा एएमयू, ये एटॉमिक मैस होता है। लेकिन अगर आप एएमयू निकाल के आप यहाँ पे क्या लगा लेते हो, ग्राम लगा लेते हो, तो जैसे ही आप कार्बन का मैस 12 एएमयू काट के आपने जब यहाँ पे ग्राम लेके आना है तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम मैस बन जाएगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे एक एटम है। तो एक एटम जब हमारे पास होगा कार्बन, इसका मैस कितना होगा 12 ग्राम होगा, बात समझा गई। इसके बाद आपने करना है कि हमारे पास जो वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मैस कितना वाटर का होता है 18 ग्राम। तो जैसे ही आप यहाँ पे ग्राम लेके आओगे क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि वाटर का जो ग्राम की बजाय आपने यहाँ पे एएमयू लगाया, जब आपने यहाँ पे एएमयू लगाया तो ये मोलिक्यूलर मैस है, मोलर मैस नहीं है। और जैसे ही आप एएमयू निकाटा और यहाँ पे आपने यूनिट लगा दिया ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल वाटर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है H2SO4, जब आप इसके मैस को ग्राम में लेकर चलेगा ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ H2SO4। और इसी तरह जब आपके पास होगा आयनी कंपाउंड है NaCl, जब आप इसके मैस को ग्राम में ले चलेगा ये क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। तो अब देख रहे हैं कार्बन का 1 मोल इतने पार्टिकल, वाटर का 1 मोल इतने पार्टिकल, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल इतनी पार्टिकल है, और इसके बाद जो हमारे पास है NaCl इसका 1 मोल में भी उतनी पार्टिकल है। तो यहाँ पे आपके जहन में ये बात तो आ रही होगी कि मैस यहाँ पे डिफरेंट है, इसका मैस 12 ग्राम है, 18 ग्राम है, 98 ग्राम है, 58.5 ग्राम है, तो मैस तो यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, मैस यहाँ पे क्या है, मैस यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम है। फिर आप क्या काम करोगे, आपने मैस को देखना है कि मैस को सेम है या डिफरेंट है, आप मैस के ऊपर नहीं जाओगे, आप ये देख लेना है कि इसके 1 मोल जो होता है उसमें इतने पार्टिकल, इसके 1 मोल में इतने पार्टिकल, इसके 1 मोल में इतने पार्टिकल, इसके 1 मोल में इतने पार्टिकल, पार्टिकल सेम होंगे, क्या होगा, पार्टिकल्स यहाँ पे सेम होंगे, क्योंकि आपने ये कहा है कि मैस सॉरी मोल वो सब्सटेंस है जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल है, क्या है, मोल वो सब्सटेंस है जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स है। अब पार्टिकल्स तो सेम ही आते जा रहे हैं, मैस उसका वेरी करता जा रहा है। अब इसके बाद आ जाएगा आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन मैस एंड मोल। अब ये करने का फायदा क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मैस एंड मोल, तो इसका फायदा जो ये होगा कि आपको एक क्वांटिटी दे दी जाएगी, दूसरे को आप फाइंड कर सकते हो, बात समझा गई ना, एक क्वांटिटी आपको दे दी जाएगी तो आपको दूसरा फाइंड करना इजी हो जाएगा। मसलन अब दिया क्या है कि रिलेशन बिटवीन मैस एंड मोल, तो आपको मैस दे दूंगा तो आप मोल फाइंड कर लोगे, आपको मोल दे दूंगा तो आप मैस फाइंड कर लोगे। तो कैसे करोगे, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, क्या आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब ये मैस कौन सा है, ये मैस वो अमाउंट है कि मैं आपको ये सपोज कर देता हूँ आपके पास 5 ग्राम H2SO4 है, आप यहाँ पे मोल फाइंड करो, तो ये जो मैंने आपको गिवन डाटा दिया है ये आपका मैस है। और मोलर मैस क्या है कि मोलर मैस में आपने एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सबके मैस को आपने उसका सम करना है, और उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके मैस को ग्राम में लेके आ जाना है, बात समझा गई ना, तो ये क्या बन जाएगा, मोलर मैस बन जाएगा। तो मोल को आप शो करते हो स्मॉल एन के साथ, मैस को शो करते हो स्मॉल एम के साथ, और मोलर मैस को आप शो कर दोगे कैपिटल एम के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि मोल इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस। अगर मैं आपको मैस दे देता हूं तो आप मोलर मैस खुद पुट करोगे, वो आपके पास जब कंपाउंड होगा से आपके पास मैं कंपाउंड NaCl दे देता हूँ, तो
तो आप इसका मैथ ये फाइंड कर लोगे। मैं आपको H2SO4 दे देता हूँ, इसका मैथ ये वाला होता है। आपके पास वाटर, इसका मैथ ये वाला है। ये आप इस चैप्टर के शुरू में कर चुके हो। तो जब आपको मोलर मैथ का पता होगा, मैथ का आपका पता होगा, तो मोल आप खुद फाइंड कर सकते हो। आप नीचे है कि कोई आपको ये कह देता है कि आपने मैथ फाइंड करना है, तो नंबर मोल भी आपको बता देगा, तो आप मैथ को खुद फाइंड कर सकते हो। इस पर आ जाते हैं केमिकल कैलकुलेशंस की जानब। अब केमिकल कैलकुलेशंस का क्या फायदा है? इसका ये बड़ा फायदा वो ये वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि हमने केमिस्ट्री में जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 के, ये कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है। बस जागी ना, बाज़ औक़ात आपको ये कर देगा कि आपके पास एटम है, आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, सॉरी आपके पास मैस है, आपने मोल फाइंड करना है, आपके पास मोल है, आपने एटम्स फाइंड करने हैं, आपके पास मोल है, आपने वहाँ पे मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो ये सारे का सारा केमिकल कैलकुलेशन आपको इस सिस्टम में मदद करेगा। करना क्या है कि केमिकल कैलकुलेशन में मोल मैस कैलकुलेशन पहला आ जाएगा। मतलब वो यही वाला है कि मोल मैस कैलकुलेशन से क्या मुराद है कि अगर मैं आपको मोल दे दूंगा तो आप मैस फाइंड कर लोगे, मैस दे दूंगा तो आप मोल फाइंड कर लोगे। इसके लिए ये हमारे दोनों ये वाली चीजें आ जाएंगी। बात समझ आ गई ना कि इसमें दो चीजें यही आ जाएंगी कि मैस दे दूंगा तो मोल फाइंड कर लोगे, मोल दे दूंगा तो आप मैस फाइंड कर लोगे। इसके बाद दूसरा आ जाएगा मोल पार्टिकल रिलेशन। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, या मैंने बात की है कि पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या वो फॉर्मूला यूनिट हो सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट होगा फॉर आयनी कंपाउंड। तो अगर मैं आपको मोल दे देता हूँ, सपोज मैं आपको मोल दे देता हूँ, तो मोल को लेने के बाद आप एटम्स को फाइंड कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स को फाइंड कर सकते हो, या फॉर्मूला यूनिट फाइंड कर सकते हो। और अगर मैं आपको पार्टिकल बता देता हूँ, आप उसका मोल फाइंड कर लोगे। बात समझ आ गई ना? तो आप देखो जरा, पहले में आपने क्या काम करना है, मोल मैस कैलकुलेशन ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इस एग्जांपल ले रहे, मैं आपको कर देता हूँ कि आपके पास कंपाउंड है, उसका मोलर मैस 90 है। कंपाउंड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका मोलर मैस 90 है, नंबर मोल 5 है, आपने मैस फाइंड करना है। तो ये बन गया ना मैस मोल कैलकुलेशन। तो फार्मूला ये आ जाएगा, मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। जस्ट वैल्यूज पुट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? और इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नंबर मोल इज इक्वल टू पार्टिकल मल्टी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर कितना हो सकता है? ये हो सकता है जी 6.02 × 10⁻²³ के। बात समझ आ गई ना? नंबर मोल अगर आपके पास है, आपने फाइंड करने हैं, तो पार्टिकल्स आपको जो दिए गए होंगे उसको आप एवोगैड्रोस के साथ डिवाइड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। और कोई आपको पार्टिकल फाइंड करने का कह देता है, तो एवोगैड्रोस नंबर इधर मोल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप उसके पार्टिकल्स खुद फाइंड कर सकते हो। बात समझ आ गई ना? कि अगर आपको मोल फाइंड करने का कहेगा तो आपको पार्टिकल दे देगा, और अगर पार्टिकल फाइंड करने का कहेगा तो आपको मोल दे देगा। तो जस्ट आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। सही होगी बात? अब उम्मीद तो है कि आपको ये समझ आ गई होगी। और अब आपका काम ये वाला है कि इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल दी गई है वो आपने सॉल्व करनी है। अल्लाह।